अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। आज मैं आपके साथ जो है इस वीडियोस में आप शेयर करूंगी कि आप किस तरह से 22 डेज़ के अंदर केमिस्ट्री को प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियोस लेक्चर प्रॉपर्ली लेते रहेंगे तो इंशाल्लाह जो है आप अगर 85 का एग्ज़ाम हुए तो आपके 85 में से 85 मार्क्स आएंगे। तो इतने शॉर्ट पीरियड में किस तरह से क्या चीज़ तैयार की जाए, तो आज मैं आपके साथ जो है इस वीडियो में 15 क्वेश्चन जो है चैप्टर 1 के डिस्कस करूँगी। अगर आप डेली इसको याद कर लेंगे तो आप 22 में डेज़ में आसानी से केमिस्ट्री प्रिपेयर करने के बाद आप टेस्ट भी जो है वो दे सकते हैं इसके आसानी से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स, गिव नेम एंड सिंबल ऑफ ईच सच एलिमेंट। कि मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स कौन से होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जिनका सिर्फ एक आइसोटोप होता है, सिंगल आइसोटोप न्यूक्लियाइड जो होती हैं उन्हें हम मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स कहते हैं। एक पार्ट तो हमने डिस्कस कर लिया, व्हाट आर द मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स, के ऐसे एलिमेंट जिनका एक आइसोटोप हो, तो साथ में हमने उसके एग्जाम्पल नेम भी लिखना है और सिंबल्स भी लिखने हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको इसका चार्ट बना दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंबल्स भी हैं और उनके नेम भी हैं। जैसे फ्लोरीन है, सोडियम है, एल्युमिनियम है, फॉस्फोरस है, इन सब के हमारे पास एक एक आइसोटोप एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट है, वाई डू द आइसोटोप हैव सिमिलर केमिकल बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। के आइसोटोप की केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम क्यों होती हैं और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट क्यों होती हैं? एज यू नो दैट आइसोटोप जो है उनके अंदर सेम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। तो आइसोटोप की इस क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन सेम है, तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेस करती हैं, और जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उसके कह लें कि आप न्यूट्रॉन पे बेस करती हैं। तो इसलिए हमारे पास जो आइसोटोप हैं उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं लेकिन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है। दिस इज़ बिकॉज आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, बट दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विच इफेक्ट द मास। Hence, isotope have similar chemical properties but different physical properties. Next question है, what is relative abundance of isotope? How is it determined? कि relative abundance क्या होती है और इसको हम किस तरह से determine करते हैं? Relative abundance is basically the percentage of atom, कि जिसके हमारे पास स्पेसिफिक एटॉमिक मास के अंदर कितनी परसेंटेज आइसोटॉप की पाई जाती है। दैट इज़ द रिलेटिव अबंडेंस। द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ एन आइसोटॉप इज़ द परसेंटेज ऑफ एटम विद अ स्पेसिफिक एटॉमिक मास फाउंड इन अ नेचुरली अकरिंग सैम्पल ऑफ एन एलिमेंट। तो एवरेज एटॉमिक मास हम क्या लेते हैं? एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज़ द वेटेड एवरेज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द एलिमेंट्स आइसोटॉप बाय देयर एटॉमिक मास एंड देन समींग द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखें कि एवरेज एटॉमिक मास हम देखें एलिमेंट्स का देखा होगा आपने, जैसे हम हाइड्रोजन का कंसिडर करते हैं, H2 का 2.016 कंसिडर करते हैं। तो हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटॉप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्यूट्रियम, एज यू नो दैट। तो अब तीनों के आइसोटॉप्स के जो अबंडेंस है वो डिफरेंट एग्जिस्ट करती है। तो हम एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। अब एवरेज एटॉमिक मास को हम निकालने के लिए क्या करते हैं? रिलेटिव अबंडेंस निकालते हैं आइसोटॉप की, और फिर उनको एटॉमिक मास के साथ मल्टीप्लाई करके उनके प्रोडक्ट को सम अप कर दिया जाता है। तो रिलेटिव अबंडेंस ऑफ ईच आइसोटॉप, अब हमने कहा कि हम रिलेटिव अबंडेंस निकाल हैं और उसको उसके एटॉमिक रिलेटिव अबंडेंस को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एटॉमिक मास के साथ। तो अब हम रिलेटिव अबंडेंस कहाँ से निकालेंगे? तो ये है इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, दैट इज़ मास स्पेक्ट्रोमीटरी। ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है जो कि स्पेसिफाई करता है कि आपके जो एलिमेंट है उसके कौन कौन से आइसोटोप होंगे और कितनी कितनी परसेंटेज उसकी एग्जिस्ट करेगी। तो what is next question number 4, what is the reason that the element have fractional atomic mass? कि elements का fractional atomic mass क्यों होता है? अब जैसे कि अभी मैंने पिछले ही क्वेश्चन में डिस्कस किया कि जो एलिमेंट होते हैं वो मिक्सचर ऑफ आइसोटॉप से बनते हैं, और हर एक आइसोटॉप जो है उसका डिफरेंट मास होता है। तो अगर हमने एक एलिमेंट का निकालना है तो जितने उसके आइसोटोप होंगे उन सब के मैस को निकालेंगे और फिर हम उसका सम अप कर लेंगे। तो इसलिए हमारे पास इसका जो मैस निकलेगा फ्रैक्शनल एटॉमिक मैस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन ग्राम एटम। तो ये डेफिनेशंस हैं इस चैप्टर के अंदर, ये सारी आती हैं। आप बुक वाली भी कर सकते हैं, अगर ये आपने यहाँ से करनी है तो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। तो द मास ऑफ द ना ही नहीं है द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट इक्वल इन ग्राम टू द एटॉमिक वेट कॉल्ड ग्राम एटम। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटम। तो आप बुक वाली भी कर सकते हैं, वो भी ईजी है। इसके साथ आपने इसकी एक एग्जांपल देख लेनी है कि एटॉमिक मास जो है कॉपर का 63.5 है। आप इसके अलावा किसी भी और एलिमेंट जो भी आपको अच्छा लगता हो, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, एटॉमिक मास जो है ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। आप कोई भी एग्जांपल जो है वो दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ग्राम मॉलिक्यूल। ग्राम molecule is the number of molecule present in 1 mole of that substance instead of the atoms। ठीक है, ग्राम molecule क्या होते हैं कि एक मोल के अंदर कितने molecule present होते हैं, that is ग्राम molecule। तो आप बुक से भी इसे कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशन। फॉर एग्जांपल इन CaCO3 1 मोल कंटेन 5 ग्राम एटम, यानी कि इसके अंदर 5 ग्राम एटम्स होंगे। कौन कौन से? एक कैल्शियम, एक कार्बन, 2 और 3 ऑक्सीजन। कितने हो गए टोटल? 5 हो गए। तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल के अंदर 5 ग्राम एटम्स जो है इसके अंदर एग्जिस्ट करे, इस एग्जाम्पल के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन ग्राम फॉर्मूला। ग्राम फॉर्मूला, mass of the compound is the amount of that compound that has same mass in gram as the formula mass in atomic mass unit। आप इनकी definitions बुक से कंसल्ट कर सकते हैं, यहाँ से करना चाहें तो करेक्ट होंगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डिफाइन ग्राम आयन। द वेट इन ग्राम ऑफ एन आयन दैट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ द एटम मेकिंग अप द आयन। यानी कि अगर हम आयन्स के जो फॉर्म आयन्स हैं उनके मास को ग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं, दैट इज़ ग्राम आयन, जिसे हम मोल भी कहते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास मोलर वॉल्यूम है, मोलर वॉल्यूम इज़ द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर दैट इज़ 22.414। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। द मोलिकुलर वॉल्यूम इज़ द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ अ केमिकल एलिमेंट और अ केमिकल कंपाउंड। ये भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, या आप यह भी लिख सकते हैं कि द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर कौन सा होता है वो आपको पता होना चाहिए, और प्रेशर कितना होता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज़ 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड स्टैंडर्ड प्रेशर इज़ 1 atm। और मोलर वॉल्यूम कितना होता है? 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है ये बुक में भी गिवन है, आप वहाँ से कंसल्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, नो इंडिविजुअल नियॉन एटम इन द सैम्पल ऑफ एलिमेंट हैज़ अ मास ऑफ 20.18 amu डिस्कस। कहता है कि नियॉन एटम कि किसी एक इंडिविजुअल का जो है मास हमारे पास इतना नहीं है। नियॉन के 3 आइसोटोप होते हैं, तो नियॉन के हमारे पास 3 आइसोटॉप्स होते हैं। यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर दिया, ये मिस्टेक थी तो उसको आपने करेक्ट कर लेना है। नियॉन के 3 आइसोटॉप होते हैं, नियॉन 1020, नियॉन 1021 एंड नियॉन 1022। तो ये 3 आइसोटॉप होते हैं। अब इनकी रिलेटिव अबंडेंस डिफरेंट है। जो नियॉन 1020 है ये 90.92% होता है, 21 वाला जो है वो 0.26% होता है और 22 वाला 8.82% होता है। अगर हमने इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालना हो तो हम क्या करेंगे कि जितनी इनकी रिलेटिव अबंडेंस है उनको हम उनके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उन सब का सम अप करेंगे और हम उसे 100 पे डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास उनका जो एवरेज एटॉमिक मास है फाइंड आउट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम इसका फॉर्मूला जो है उसमें भी मैंने पुट कर दिया है कि 20 को 90.92 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सम करेंगे, 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.26 से और 22 को करेंगे 8.82 से और डिवाइड कर देंगे 100 से और इसका मास निकल आएगा 20.18। एवरेज एटॉमिक मास as no individual neon atom in the sample has a mass of 20.18। तो यहाँ पे देखिए कि कोई भी इंडिविजुअल का देखा जाए तो उसका मास इतना नहीं होता, क्योंकि हम इसका एवरेज करके फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट है 23 ग्राम ऑफ सोडियम एंड 39 ग्राम ऑफ पोटाशियम हैव इक्वल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम एटम इज ट्वाइस हैवियर देन कार्बन एटम। कमेंट कि क्यों मैग्नीशियम जो है वो हैवियर है कार्बन से। तो आपको मैथ से ही क्लियर हो जाता है कि कार्बन का एटॉमिक मास 12 AMU होता है और मैग्नीशियम का 24 होता है। तो अब हम उनके फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी चेक कर लेते हैं। प्रोटॉन्स कार्बन के अंदर 6 होते हैं, मैग्नीशियम के अंदर 12 होते हैं। न्यूट्रॉन्स जो है कार्बन में 6 है, मैग्नीशियम में 12 है। इलेक्ट्रॉन कार्बन में 6 है, मैग्नीशियम में 12 है। तो टोटल 18 और 36 और 12 और 24 एटॉमिक मास। तो आप देख सकते हैं कि मास उसका डबल है, तो वो ट्वाइस टाइम हैवियर ही होगा। हाउ नाइट्रोजन N2 and CO have same number of electron, proton and neutron। के N2 के अंदर और कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपने एटॉमिक नंबर याद किया है नाइट्रोजन का N का, N2 का नहीं याद किया। तो एटॉमिक नंबर इंडिकेट करता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन को, और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन हमेशा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होते हैं। तो दो चीज़ें आपको याद होगी, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या था 7, उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे 7 और इलेक्ट्रॉन भी 7 होंगे। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है N2 की, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एक अगर आपके पास देखा जाए एटम उसके 7, दूसरे के भी 7, तो 7 + 7 = 14। इसी तरह आप प्रोटॉन देख लें, इसके 7 + 7 दैट आंसर इज़ 14। रही बात न्यूट्रॉन की, इसका एटॉमिक मास होता है 14, ठीक है। तो 14, अब एटॉमिक न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं। तो 14 में से अगर आप 7 को माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 7। अब न्यूट्रॉन निकला है, न्यूट्रॉन कितने हो गए 7 + 7 = 14। इसके तो हमने सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पे। कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर जो है वो प्रोटॉन्स कितने होंगे, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 + 8 = 14। इलेक्ट्रॉन भी इतने ही होंगे, प्रोटॉन भी इतने ही होंगे, न्यूट्रॉन भी इतने ही होंगे। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि N2 और CO के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन सेम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मस्ट बी कंसिडर्ड ड्यूरिंग स्टोइकोमेट्रिक या स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन। हाउ, कहता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे होना चाहिए, अगर वो ओबे नहीं होता तो स्टोइशियोमेट्री की कैलकुलेशन नहीं हो सकती। हाँ, अब दूसरा भी इसका क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, हाउ इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबेड ड्यूरिंग स्टोइशियोमेट्री कैलकुलेशंस, कि किस तरह से इसको ओबे करना चाहिए। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बगैर स्टोइशियोमेट्री का कंसेप्ट नहीं है। जैसे कि अगर आप देखें एग्जाम्पल, जैसे बुक में भी गिवन है, हाइड्रोजन रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ और वाटर प्रोड्यूस करती है। अब मास ऑफ द रिएक्टेंट, मास ऑफ द प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हमने कहा था कि कोई साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए, केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल नहीं होंगे तो क्या होगा, बैलेंस नहीं होगी इक्वेशन, बैलेंस नहीं होगी तो स्टोइशियोमेट्री कैलकुलेशंस नहीं पॉसिबल होंगी। इसमें हम देखते हैं कि 2H2 + O2 आफ्टर रिएक्शन इट प्रोड्यूस 2H2O, बैलेंस की हमने। अब यहाँ पे देखें कि 4 ग्राम एक का H2 था, 2 था और 2 लगे हुए हैं, 2 × 2 = 4 और एक ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16, 16 × 2 = 32। 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 36 ग्राम वाटर बनाती है। इसका भी हम मास निकाल लेते हैं, 16 इसके हो गए और 2 इसके हो गए, 17 और 18, और 18 को 2 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इज़ 36। अब यहाँ पर 32 + 4 इज़ 36, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से हमारा ये भी क्लियर हो गया। व्हाट इज़ एवोगैड्रोज नंबर, गिव इक्वेशन टू रिलेट एवोगैड्रोज नंबर एंड मास ऑफ द एलिमेंट। ये मैंने क्वेश्चन जो है ये नेक्स्ट वीडियो में भी डाला है, यहाँ पे थोड़ा सा कम लग रहा था। तो आप इसकी डेफिनेशन जो है वो बुक से भी कर सकते हैं। तो बुक में क्या है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल, आयन, 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, एक ग्राम कंपाउंड के अंदर जो पाए जाते हैं दैट इज एवोगैड्रोस नंबर। द नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और आयन इन 1 ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड एंड 1 ग्राम आयन ऑफ दैट सब्सटेंस। ये हमारे पास एवोगैड्रोस की डेफिनेशन है। या आप ये भी कर सकते हैं कि नंबर ऑफ यूनिट्स इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, यानी कि 1 मोल के अंदर जो यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। अब यूनिट्स क्या होते हैं? वो एटम, मॉलिक्यूल और आयन कुछ भी हो सकते हैं। एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू होती है 6.0221407 होती है। आप इसको 6.02×10⁻²/23 तक याद कर सकते हैं। अब फॉर्मूला किस तरह से हम कैलकुलेट किस तरह से करते हैं? अगर आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं तो मास ओवर मोलर मास डिवाइडेड मल्टीप्लाई विद एवोगैड्रोस नंबर। नेक्स्ट है डिफाइन स्टोइकियोमेट्री, गिव अजम्पशंस ऑफ स्टोइकियोमेट्री। अब स्टोइकियोमेट्री होता क्या है? इट इज़ द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, बिटवीन नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये होती है हमारे पास स्टोइकियोमेट्री। तो स्टोइकियोमेट्री बेसिकली इज द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, जिसमें हम क्वांटिटीज़ देखते हैं रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट की, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। केमिकल रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड, बैलेंस होना चाहिए, यानी कि बैलेंस का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ प्रोडक्ट इक्वल होने चाहिए। इसकी एग्जाम्पशंस क्या क्या हैं? ऑल द रिएक्टेंट आर कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट एंड नो साइड रिएक्शन अकर। कोई रिएक्टेंट जो है वो कोई साइड रिएक्शन ना करता हो, ऐसा ना हो कि जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर प्रोड्यूस कर रहे हैं, हाइड्रोजन खुद ही जो है वो कुछ नया कंपाउंड कार्बोनिक एसिड या कुछ भी बना के रिलीज़ कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि लॉ ऑफ मास एक्शन फुलफिल होना चाहिए। फर्स्ट है कि कोई रिएक्टेंट जो है वो बचा नहीं रहना चाहिए, सारे का सारा प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाना चाहिए। 13 क्वेश्चन, हाउ डू मैनी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन आवर सराउंडिंग इन्वॉल्व लिमिटिंग रिएक्टेंट। हमारे इर्द गिर्द कौन कौन से ऐसे रिएक्शन हैं जिनके अंदर लिमिटिंग रिएक्टेंट का कंसेप्ट पाया जाता है? जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, वेयर पेपर इज़ अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। जैसे आप पेपर को बर्न कर रहे होते हैं तो ऑक्सीजन किस चाहिए होती है उसको बर्न करने के लिए? ऑक्सीजन तो आपको एयर से बहुत सारी मिल जाती है, लेकिन वहाँ पे ख़त्म क्या हो जाती है चीज़? पेपर। तो पेपर लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, ऑक्सीजन तो ख़त्म नहीं हुई। रस्टिंग ऑफ आयरन, वेयर आयरन इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। यानी कि आपने देखा होगा जंग लग जाता है। जंग जो है आपको पता है वो पानी की मौजूदगी में, एयर, मॉइस्चर और एयर की वजह से होता है। तो अब अगर आपके पास ऑक्सीजन और वाटर तो हमेशा अवेलेबल रहेगा, आयरन ही आपकी ख़त्म हो जाती है, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है जो जल्दी रिएक्शन में कंज्यूम हो जाए, तो इसलिए आयरन लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। डिफाइन लिमिटिंग रिएक्टेंट, गिव एन एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल अभी हमने डिस्कस कर लिया है। और लिमिटिंग रिएक्टेंट हम लेते हैं रिएक्टेंट विच इज़ कंज्यूम्ड अर्लियर ड्यू टू इट्स लेसर क्वान्टिटी। ऐसा रिएक्टेंट जो जल्दी कंज्यूम हो जाता है, कम पाया जाता है, वो कहलाता है लिमिटिंग रिएक्टेंट। एंड गिव लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, द रिएक्टेंट विच यील्ड लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट। आप इतनी भी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि ऐसी चीज़ जो जल्दी ख़त्म हो जाती है किसी भी रिएक्शन में, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाती है। तो बुक में एक एग्जाम्पल गिवन है सैंडविच वाली, कबाब वाली। वो और एग्जाम्पल जो है वो एग्ज़ाम में नहीं लिखनी आपने, क्योंकि वो इतनी ऑथेंटिक नहीं है। तो यहाँ पे आप कौन से लिखेंगे? बर्निंग ऑफ पीस ऑफ पेपर इन द एटमोसफेयर इज़ अ कॉमन एग्जाम्पल। तो बर्निंग ऑफ पीस ऑफ पेपर इन द एटमोसफेयर इज़ अ कॉमन एग्जाम्पल विद द पेपर इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड एटमोसफेरिक ऑक्सीजन इज इन द एक्सेस। ये और एग्जाम्पल आपने राइट करनी है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन 10 ग्राम ऑफ आइस। तो आपने क्या कैलकुलेट करना है, ये आपकी बुक में गिवन है। तो उन्होंने पूरा दिया हुआ है सोल्यूशन, वो 2 स्टेटमेंट्स हैं, उन्होंने उसकी हाफ करके जो है एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है क्वेश्चन। तो वो कहते हैं कि आपने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स जब भी आते हैं तो आपने याद रखना है कि एवोगैड्रोस वाला फॉर्मूला लगाना है। वो क्या आता है? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई विद एवोगैड्रोस नंबर। मास आपके पास वाटर का 10 है और मोलिकुलर मास जो है 18 होता है। इसको 6.0×10⁻²/23 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 10 को हम डिवाइड करेंगे 18 के साथ, तो आंसर क्या आ जाएगा? हमारे जो आंसर आएगा उसको 6.02 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻²/23 एज इट इज़ लिख लें। देंगे तो आंसर आ जाएगा 3.31 10^23। तो ये थे आज मेरा लेक्चर नंबर 1, जिसमें मैंने 15 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया। आज जो है अगर आप इतने क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेंगे तो इंशाल्लाह इन 22 डेज़ हम इस पूरी केमिस्ट्री की बुक को कवर कर लेंगे। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगी और कुछ इसकी जो न्यूमेरिकल्स एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करूँगी। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे वैसे भी लेक्चर्स जो है वो ले सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।